पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद अनामिका सार्थवती बभूव। नमस्कार, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। महाकवि कालिदास विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लगभग 2000 वर्षों के इस लंबे अंतराल के बाद भी उनके जैसा लेखक और कवि हमारे बीच नहीं हुआ है और अभी कोई संभावना भी नहीं प्रतीत होती है। वे नाटकों के रचयिता, महाकाव्यों के रचयिता और खंड काव्यों के रचयिता थे। उनका साहित्य भारत ही नहीं समूचे विश्व में पढ़ा जाता है, सुना जाता है। ऐसे महाकवि कालिदास की इस पावन स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, रेखांकित करने के लिए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई और कालिदास संस्कृत अकादमी निरंतर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृतसंकल्पित है। कोरोना संक्रमण के इस काल में भी संस्कृति विभाग अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गमक श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिदिन कोई कार्यक्रम संस्कृति विभाग द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसी श्रृंखला में कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा आज महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित व्याख्यान संकल्पित है। वरिष्ठ इतिहासविद, संस्कृतिविद, संस्कृतविद और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के पूर्व निदेशक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित आज कालिदास साहित्य में समाज चित्रण शीर्षक केंद्रित व्याख्यान देंगे। हम उनका स्वागत करते हैं और इस व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ संस्कृतिविद, संस्कृतविद, कालिदास साहित्य के अध्येता और खगोलीय ज्योतिष के वरेण्य विद्वान डॉक्टर मोहन गुप्त जी हैं। वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं इन दोनों विद्वानों के प्रति कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से अभिनंदन करता हूं और जो इस व्याख्यान सत्र में आज हमारे साथ हैं मैं उन सभी श्रोताओं दर्शकों का अकादमी की ओर से स्वागत करता हूं। अब मैं आज के व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को। नमस्कार। महाकवि कालिदास भारत के एक अद्वितीय कवि रहे हैं, सारे जगत में विख्यात। उनकी महत्ता सर्वज्ञात है। कालिदास की 7 पुस्तकें आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से सर्वमान्य हैं। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 1 खंडकाव्य मेघदूत और 1 ऋतुकाव्य श्रृंगार ऋतु संवार। 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और काव्यों में रघुवंश सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए रघुकार के नाम पर उनकी प्राचीन काव्य में प्रसिद्धि रही है। महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार के अपने युग को प्रस्तुत करने का
प्रयास किया है। कथाओं के माध्यम से, विवरणों के माध्यम से, ऋतु वर्णन के माध्यम से, भारत दर्शन के माध्यम से, इस दृष्टि से कालिदास का जो जीवन दर्शन है, जो समाज दर्शन है, वह बड़ा ही व्यापक और सर्वसमाहारी है। कालिदास ने अपने रघुवंश के आरंभ में जो विवरण दिया है, उससे प्रतीत होता है कि इस देश की जो पौराणिक काल से परंपरा रही है, उस परंपरा को मानते हुए और समाज प्रस्तुत कर रहा है। तदनुसार वह वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक रहा है। चार वर्ण यानी समूचा समाज, पूरा समाज आ जाता है, और चार आश्रम यानी पूरा जीवन। तात्पर्य यह कि पूरे समाज का पूरा जीवन एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का और व्यवस्थित रूप से जीने का उसका निर्देश रहा है। तदनुसार उसका कहना है कि कोई भी समाज हो चाहे, लेकिन शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, यानी आरंभ में, जीवन के आरंभ में विद्या का अध्ययन किया जाए, शिक्षा प्राप्त की जाए। यौवन प्राप्त होने पर गृहस्थाश्रम आरंभ किया जाए और सांसारिक जीवन जिया जाए। मार्दक के मुनिवृत्ति नाम, और बुढ़ापे में मुनिवृत्ति अपना लेती, यानी त्याग की भावना, संसार के से मोह न रखते हुए और जीवन जिया जाए। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, और उन्होंने कहा कि शरीर का अंत जो है वो योग के माध्यम से समाप्त किया जाए। तो ये एक मोटी रूपरेखा उसने कही। इसमें जो गृहस्थाश्रम है, उस गृहस्थाश्रम के बारे में उसका कहना है कि प्रजाये ग्रह में थी नाम, उनका विवाह किया जाए तो इसलिए नहीं कि विषय वासना, बल्कि संतान के लिए किया जाए। तो ये एक मोटी रूपरेखा उसने जीवन की रखी है, और तदनुसार जीवन का के विविध जो रूप हैं, उन रूपों को उसने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का मूल है, आधार है, चाहे ब्रह्मचर्य हो, संन्यास हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, वो सब निर्भर है गृहस्थ पर। गृहस्थाश्रम से संतति होती है और संसार चलता है। गृहस्थाश्रम में रह करके गृहस्थी लोग जो है वो
उपार्जन करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं और उससे संसार चलता है। तो इस तरह से गृहस्थाश्रम सर्व सभी आश्रमों का मूल है। ये इसलिए उसके लगभग सभी ग्रंथों में गृहस्थाश्रम की कथा है, श्रृंगार की कथा है। बचपन उसमें बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसमें उसके संदेश प्राप्त होते हैं। एक बड़ी बात उसने कही है कि जो परंपरा है उस परंपरा को निभाना चाहिए, लेकिन परंपरा में जो भी कुछ है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, उन्होंने कहा जितने पारंपरिक जो भी है वो सब कुछ अच्छा है और नया अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परंपरा में भी कुछ अच्छा है और नए में भी कुछ अच्छा है और इन दोनों का समाहार होना चाहिए जीवन में। शिक्षा के बारे में उसने कहा है कि शिक्षा जो है वो सब प्रकार की मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए, शास्त्र की शिक्षा हो और उस समय आवश्यक समाज के लिए आवश्यक था, शास्त्र की शिक्षा भी आवश्यक हो। तो शास्त्र और शास्त्र इन दोनों का समन्वय उस समय के समाज के अनुरूप माना है। जो कुछ वर्ग ऐसा है कि जिसको शिक्षा ही प्राप्त करना है और शिक्षा देना है, कुछ वर्ग ऐसा है जिनको राजनीति की ओर प्रेरित अग्रसर होना है, और कुछ वर्ग ऐसा है कि जो कृषि और व्यापार की ओर आगे बढ़े, और कुछ वर्ग ऐसा है कि जो नौकरी वगैरह करते रहते हैं, सेवा, राष्ट्र सेवा करते हैं। तो सब प्रकार के समाज की मिलकर के एक समग्र समाज बनता है और उस समग्र समाज से ही देश आगे बढ़ता है। जो मालविकाग्निमित्र नाटक है उसमें जो संगीत की शिक्षा, नृत्य की शिक्षा की चर्चा है, और उसमें नृत्य के आचार्य के और नृत्य के शिष्य के दोनों के गुण बतलाए हैं, और उसमें बतलाया है कि आचार्य ऐसा होना चाहिए कि जो अपने विषय का विद्वान हो, अपने विषय को शिष्य तक पहुंचाने की उसमें क्षमता हो, और शास्त्र उसमें और शास्त्र के विविध नियमों को भली भांति जानता हो। तो इस तरह से, और शिष्य भी ऐसा हो कि वो शिक्षा ग्रहण करने में पीछे न रहे, उसकी लगन उसमें इतनी हो कि जो गुरु बताए उस गुरु बताए हुए ज्ञान को यथावत ही प्राप्त न कर ले, बल्कि उसको वृद्धि करे अपनी तरफ से भी। जो वृद्धि करेगा वो उससे प्रतिभा उसकी ज्ञात होगी। तो इस तरह से एक विद्याभ्यास की उसमें चर्चा की गई है, और उसकी दक्षता दूसरे नाटक में, विक्रमोर्वशीय नाटक में प्राप्त होती है, कि जहाँ पर जो एक क्षत्रिय राजकुमार है वो आश्रम से लौटते ही किस तरह से निशानेबाजी में दक्ष है
ये दिखाया गया है। बचपन जो है वो क्रीड़ा में खेल में बीतता है और कई प्रकार के खिलौने बच्चों के खेल के लिए होते थे। जैसे एक मयूर जो है शाकुंतल नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में जो मोर का जो मूर्ति है, प्रतिमा है, खिलौना है, वो भरत प्राप्त करता है और उससे मनोरंजन करता है। तो इस तरह से अलग अलग रूप बताए गए हैं। बड़ों का मनोरंजन होता था उद्यान क्रीड़ा, उद्यान यात्रा यानी पिकनिक, और दूसरा उसमें आखेट। तो आखेट जो क्षत्रियों का एक प्रकार से मनोरंजन था, और विद्वानों का मनोरंजन शास्त्र चर्चा। तो सभी जो मतलब आगम, निगम और आगम, वैदिक परंपरा और दूसरी शास्त्रीय परंपरा, इन सब का समन्वय मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। जो वृद्धाश्रम है, उस वृद्धाश्रम में जो तपस्वी आश्रम है, तपस्वियों के कई आश्रम उसमें बताए गए हैं। और शाकुंतल में एक आश्रम का पूरा आधा शाकुंतल उस आश्रम का ही विवरण में जाता है, उसमें बताया जाता है कि उसमें एक संयुक्त शिक्षा प्रणाली थी, यानी स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी और पुरुष भी शिक्षा प्राप्त करते थे, विद्यार्थी भी होते थे, विद्यार्थिनियां भी होती थी, सभी शिक्षा प्राप्त करते थे। और उनको कर्म जैसे योग्य गुरु जो है वो शिक्षा देते थे, और जो कि स्वयं वैदिक परंपरा के महान आचार्य थे। उसमें और अंत में इसके बाद में जो अंत जो है मनुष्य का जीवन योग से बीते, ये रघुवंश में बताया गया है, जहाँ अज राजा अज जो है वह योग के द्वारा अपना जीवन का अंत करता है। जीवन के अंत के बारे में रघुवंश में कहता है कि जो मृत्यु है वो जीवन का एक स्वाभाविक पड़ाव है, और जीवन तो उस मृत्यु का एक विकार है, मतलब एक रूप है उसका, और वो आता जाता रहता है, और मृत्यु स्थाई है, मरणम प्रकृति शरीर नाम। तो ये एक जीवन का एक प्रकार से समग्रता को देखने का उसने प्रयास किया है। ये जो जीवन है, ये जीवन भारत में विविध वर्णीय रूप है, कई प्रकार का है। तो और वही जो उसके वही उसकी राष्ट्रीयता है, क्योंकि भूमि भूमि पर बसने वाला मनुष्य और उसकी संस्कृति, इन दोनों तीनों को मिलाने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो भूमि दर्शन जो है और उसके माध्यम से संस्कृति दर्शन
मेघदूत में प्राप्त होता है, जहाँ पर रामगिरी आश्रम से मेघ चलता है और अलका तक यानी कैलाश पर्वत तक पहुँचता है, तो रामगिरी आश्रम से लगा करके कैलाश पर्वत तक की ये पूरी यात्रा, पूरी भूभाग वर्णन, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के नदी, वहाँ के पर्वत, वहाँ के निवासी, वहाँ के नगर, उन सब की चर्चा करता रहता है, उनके धार्मिक आस्थाओं की चर्चा करता रहता है। तो उनमें जगह जगह बतलाता है कि किस तरह से नगर की स्त्रियां और नगर के मनुष्य रहते हैं, उनका कैसा व्यवहार है, और नगर और गांव की जो स्त्रियां हैं वो वहीं पर एक जगह वो कहता है कि जो कृषक ललनाएं हैं यानी जो किसान स्त्रियां हैं वो आते हुए बादल को देख जो है बड़े ललक से देख रही है कि बादल आ गए हैं अब बरसेंगे। वो ललक जो उस समय थी वो हर समय की ललक है, आज भी वही ललक पाई जाती है। जब बादल आते हैं तो एक आशा बनती है कि वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा जो है वो जीवन का जीवन है। बिना वर्षा के जल प्राप्त नहीं होता और बिना जल के जीवन जो है वो सूखा हो जाता है। तो ये जो वर्षा के प्रति जो एक ललक है वो वहाँ पर दिखाई देती है। वनस्पति में उद्यान की यात्रा वो करते रहते हैं, बट नर नारी किस तरह से मालिन जो है वो विदिशा में वो फूलों का चयन करती रहती है, किस तरह से वो जो है जो नगर के जो निवासी है वो विलासी जीवन बिताते हैं, ये सब उसमें विस्तार से चर्चा प्राप्त होती है। और रघुवंश में जैसे आता है कि एक लड़की जो है वो उसमें ईक के खेत में, गन्ने के खेत में बैठी हुई गीत गा रही है। विक्रमोर्वशीयम में आता है कि एक लड़की जो है वो नदी में बैठी हुई, पहाड़ी हिमालय की पहाड़ी में बैठी हुई रेत के खिलौने बना रही है। तो इस तरह से अलग अलग जो दृश्य है छोटे छोटे वो यहाँ वहाँ प्राप्त होते रहते हैं। ये जो समाज है, इस समाज के बारे में उसका कहना है कि वो प्रकृति परक समाज है, यानी प्रकृति प्रिय, और इसलिए हमेशा वो पहाड़ों, नदियों, उद्यानों, वृक्षों, लताओं, फूलों में रहता है और उनके प्रति आकर्षण रहता है। ये जो सारा समाज है वह फूलों, जैसे गांव के रहने वाली, आश्रम के रहने वाली जो लड़कियां हैं और मनुष्य हैं वे पुष्प प्रेम उनका अत्यंत होता है, और फूलों के वो अपने गहने बनाती है, फूलों की मालाएं बनाती है। यही नहीं, शाकुंतल में तो यह तक है कि आश्रम में की जो कन्या है उसका विवाह जब होता है, उसकी विदाई जब की जाती है तो आश्रम में क्या मिलेगा, तो पेड़ पौधों से वो वस्त्र प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों के रेशों से बने हुए जो वस्त्र हैं वो वस्त्र पहन करके, जैसे आदि जो हमारा जो कोसा होता है वो रेशा है,
तो इस तरह से पेड़ पौधे के रेशों से या ये जो सिंथेटिक है ये भी बहुधा जो है बांस वगैरह की गला करके और विविध जो पेड़ पौधे हैं उनका सार का रूपांतर है। तो इस तरह से कई तरह से उन वस्त्रों को प्राप्त करके और शकुंतला को कि वो करते हैं श्रृंगार करते हैं और उसके बाद में उसकी विदाई होती है। तो ये जो रूप है ये जो विवाह का समय होता है उस समय खास वो किया श्रृंगार किया जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, ये मालविका अग्निमित्र नाटक में देखा जाता है। एक और चीज है कि कालिदास का जो समाज है वो समाज बहुधा संभ्रांत समाज है, यानी रईसों का समाज है, राजा रईसों का, और उसी रूप में जो छोटे वर्ग का समाज है, जो गरीब वर्ग का समाज है, उसके उसमें चर्चा तो है यहाँ वहाँ छिटपुट लेकिन कम है। जैसे उसमें ऋतु संहार में इस तरह का समाज जो है वो व्यापक रूप में प्रस्तुत हुआ है। ऋतु संहार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसमें ऋतुओं के अनुसार सारा जो वर्ष है वो ऋतुओं में विभाजित है। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन छह ऋतुओं के हिसाब से रहन सहन, किस ऋतु में मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ऋतु का, ये उसमें वर्णित है और उसके अनुसार उस मनुष्य का रहन सहन, उसका कपड़े पहनना, उसका खान पान, उसका रहना, ये सब जीवन जो जीवन पद्धति जो है ऋतु के अनुसार बदलती चली जाती है, ये ऋतु संवाद से हमें ज्ञात होता है। तो मेघदूत में उसकी भूमि की जो विविधता है उस विविधता के अनुसार जीवन जीने की पद्धति बताई गई है कि पहाड़ी कैसे रहेंगे, मैदानी कैसे रहेंगे, जंगल के लोग कैसे रहेंगे और उनकी जीवन पद्धति क्या है। तो इस तरह से प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से प्रभावित जो समाज है उस पर समाज को उसमें अभिवर्णित किया गया है। तो उसके नाटकों में उसके वस्त्र, आभूषण, खान पान, जो खान पान है वो भी समय के अनुसार बदल जाता है। दोनों प्रकार के खान पान की उसमें चर्चा है, शाकाहार और मांसाहार। तो दोनों की चर्चा यहाँ वहाँ यथावश्यक प्राप्त होती है, लेकिन मोटे तौर पर जो ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी गण हैं, जो तपस्वी गण हैं, वो सब प्रकृति के ऊपर निर्भर है और प्रकृति में भी फल फूल पे, तो वो प्रायः मांसाहारी नहीं होते हैं। ये जो कुछ लोगों की जीविका हो सकती है मांसाहारी, और जीविकाएं अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे व्यापारी की अपनी पद्धति होती है, राजा की अपनी पद्धति होती है और सेवकों की अपनी पद्धति होती है, तो सबकी अपनी अपनी पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार रहते हैं। तो इस तरह से सारा जो समाज है वो एक व्यवस्थित समाज
जो हमारे परंपरा से चला आ रहा है, उस परंपरा का व्यवस्थित समाज का चित्रण कालिदास ने किया है। कालिदास ने जिस समाज का चित्रण किया है मोटी रूपरेखा में, आज भी वो विद्यमान है। समय के अनुसार हल्का फुल्का परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन वो जो पद्धति है, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, बचपन में पढ़ाई करो, यौवने विशेष नाम, उसके बाद शादी करो, संसार बसाओ, संसार चलाओ, दुनिया में आगे बढ़ो, और उसके बाद में आगे की पीढ़ी को भार सौंप करके और निवृत्ति ले लो। ये जो पद्धति है, ये पद्धति हर हमेशा रहती है, हर समाज में रहती है और हर जगह रहती है। उस सामान्य पद्धति को, जो सर्वमान्य पद्धति है, उस सर्वमान्य पद्धति को कालिदास ने विस्तार से अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। और ये जो समाज है इस तरह का कालिदास का, वो समाज एक प्रकार से आदर्श समाज है। वो आदर्श इसलिए है कि सर्वमान्य है, हर समय के लिए है। तो ऐसे समाज में संस्कारों से युक्त, अपने सदाचार से युक्त यदि हम रहते हैं तो समाज स्वस्थ रहता है, समाज निरोग रहता है और समाज हमेशा प्रगति करता है। धन्यवाद। व्याख्यान के लिए मैं विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी के प्रति, और सादर आमंत्रित करता हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए वरेण्य विद्वान डॉक्टर मोहन गुप्त जी को। चिंताहरम गणेशम हर सिद्धिमातरमशाञ्जनेयम सपरिकर कोसलेशम प्रणमामि महाकालमीशम। सम्मानीय विद्वजन, आपने श्री भगवती राजपुरोहित का वक्तव्य सुना। विषय है महाकवि कालिदास में समाज विज्ञान, सामाजिक दर्शन। समाज विज्ञान एक अपेक्षाकृत नया विषय है। पूर्व में धर्मशास्त्र के अंतर्गत ये विषय आता था, लेकिन पश्चिम के कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र करके नए विषय का आविष्कार किया है और इसलिए सामाजिक दर्शन की बात आती है। जहाँ तक महाकवि कालिदास का संबंध है, वे एक महाकवि हैं और महाकवि जब लिखता है तो यह संभव नहीं कि तत्कालीन समाज का चित्रण उसमें ना हो। महाकवि कालिदास, जैसा कि उनके नाटक मालविका अग्निमित्र से स्पष्ट है, अग्निमित्र के कालीन हैं, काल के हैं। प्रथम या द्वितीय शती ईसा पूर्व का उनको माना जाता है। उन्होंने दो महाकाव्य, दो खंडकाव्य और तीन नाटक लिखे हैं। महाकाव्यों में कवि कुछ निश्चित परंपराओं से, नियमों से आबद्ध रहता है, इसलिए समाज के चित्रण का अवसर उतना नहीं मिल पाता। नाटकों में अपेक्षाकृत अधिक संभावना रहती है। उनके जो तीन नाटक हैं, विक्रम उर्वशीय, मालविका अग्निमित्र और विज्ञान शाकुंतलम, उनमें अविज्ञान शाकुंतलम में ही सामाजिक दर्शन की बात स्पष्ट होती है। मालविकाग्निमित्र में तत्कालीन इतिहास का कुछ संक्षेप विवरण में प्राप्त होता है, ले जहाँ तक सामाजिक संरचना का सवाल है, वो उनके अविज्ञान शाकुंतलम में ही देखने को मिलता है। जैसा कि सबको ज्ञात है, वह एक सामंती समाज था, राज व्यवस्था थी,
दुष्यंत का काल है तो ये मान सकते हैं कि सत्य को काल था, उसी का चित्रण कालिदास ने किया होगा। सामंती समाज व्यवस्था में जो गुण और अवगुण होते हैं सबका दिग्दर्शन महाकवि कालिदास ने किया है। महाकवि कालिदास की विशेषता यह है, और ये सभी बड़े कवियों की विशेषता रहती है, कि वे अपने नायक के नायकत्व को बचाते हुए भी तत्कालीन सामाजिक सत्य है उसको उद्घाटित कर देते। उदाहरण के जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शक का चित्रण किया है, वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायणों में स्पष्ट है कि दशरथ कामी थे, गोस्वामी जी ने उसका चित्रण किया है लेकिन उसकी रक्षा भी की है। उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के चरित्र की रक्षा करते हुए तत्कालीन समाज की जो कमियां हैं उनका उल्लेख किया है, और उसका विवरण आपको मुख्य कथानक से प्राप्त नहीं होता है। नाटक में जब कोई पात्र स्वगत बोलता है, पश्चिमी नाटकों में जैसे सौरिलोकी कहते हैं, उससे सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। यह बात ठीक है कि राज व्यवस्था होने से समाज में शांति रहती थी, अपराध नहीं होते थे, लोग बहुधा सच्चरित्र हुआ करते थे, लेकिन सामंतवादी समाज की सबसे बड़ी कमी यह है कि स्वयं राजा या राज कर्मचारी ही प्रजा के साथ कभी कभी अन्याय किया करते थे, राजाओं पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हुआ करता था। आमतौर पर पारंपरिक दृष्टि उसे नहीं देख पाती है, लेकिन महाकाव्यवसा ऐसे संकेत छोड़ जाता है जिस उसके बारे में जाना जा सके। उदाहरण के तौर पर शकुंतला के आश्रम में दुष्यंत गए, शकुंतला से उनका प्रेम हुआ। राजा का ये दायित्व तो है कि तत्कालीन समाज की धर्म की जो मर्यादाएं हैं उनकी वह रक्षा करें। दुष्यंत ने वैसा नहीं किया। हम ये मानने को तैयार हैं कि दुष्यंत या शकुंतला का प्रेम हुआ होगा, और प्रेम होने पर नायक नायिका का संयोग होना चाहिए, इससे भी कोई मना नहीं है, किंतु स्वयं राजा होते हुए उनका दायित्व था कि वे कर्ण के आने तक प्रतीक्षा करते और कर्ण की अनुमति से विवाह कर शकुंतला से विवाह करके और तब उसे संयोग किया जाता, लेकिन उन्होंने ये प्रतीक्षा नहीं की, और इस प्रकार जो धर्म की व्यवस्था उनके अपने राज्य में थी उसको उन्होंने तोड़ा। और इसका संकेत महाकवि बड़े स्पष्ट रूप से देते हैं। पहली बात तो यह है कि शकुंतला की दो सखियां हैं, अनसुईया और प्रियंवदा। प्रियंवदा अनसुईया ने आशंका व्यक्त की थी कि राजा बहुबल्लभा राजा न, राजा के बहुत सी स्त्रियां होती हैं, मेरी सखी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो बड़े जैसी राजाओं को रहती कि परिग्रह भवत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम, दो ही मेरे लिए प्रिय रहेंगे, या तो ये पृथ्वी या आपकी ये सखी। उसने प्रतिज्ञा तो की, लेकिन हुआ क्या? महाकवि कालिदास ने दुष्यंत का चरित्र बचाने के लिए दुर्वासा के शाप की व्यवस्था की है, ये बात सही है। मूल महाभारत के कथानक में दुर्वासा का शाप नहीं है, लेकिन एक बात ख्याल रखने की होती है, शाप उसी को लगता है जिसमें शाप की संभावना बनी रहती है। देखिए, सरस्वती कैकेयी की बुद्धि को फेर सकी, वह सुमित्रा की या भरत की बुद्धि को नहीं फेर सकती थी, क्यों? कैकेयी में ये संभावना थी। ये भी बड़ी विचित्र बात है, अपराध तो किया शकुंतला ने, तो विचिन्त्यन्ति यमन निमानसा तपोधनम वेत्स निमाम उपस्थितम, तुम जिसको सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा,
बड़ी विचित्र बात है, अपराध कर रही है शकुंतला और शाप मिल रहा है दुष्यंत को। अगर मान लीजिए वो ये कहती कि जिसका तुम चिंतन कर रही हो वो उसे तुम भूल जाओगे तो बात ही अलग हो जाती। स्पष्ट संकेत देना चाहते हैं कि महाराजा दुष्यंत के आचरण में कमी है, और इसलिए अनसुईया ने कहा कि राज्यां अनार्य माचरितम, राजा ने हमारे सखी के साथ अनार्य आचरण किया है। राजा दुष्यंत गंधर्व विवाह की बात तो करता है लेकिन गंधर्व विवाह हुआ या नहीं हुआ यह स्पष्ट नहीं होता। एक और बात है, दुष्यंत कण्व से आने से पहले आश्रम से भाग जाना चाहता है, और इसलिए जब शाम का समय हुआ तो ये घोषणा होती है कि सायं तने सवन कर्मण संप्रवृत्ते वेदी हुताशन वतीम परत प्रवृत्ता प्रसिद्धता, शाम आसपास राक्षस आए हुए हैं, और इसके बाद राजा निकल कर चला जाता है। अब एक राजा के तौर पर राजा का ये दायित्व था कि जिस आश्रम में जा रहा है वहाँ अपनी सेना रखता और आश्रम की रक्षा की व्यवस्था करता। आश्रम के आसपास राक्षस कैसे आ रहे हैं ये राजा की अपनी कमी है। मेरा अपना मानना है कि आश्रम से अपने आप को छुड़ाने के लिए ये उद्घोषणा करवाई और राजा वहाँ से निकल दिया। कुल 4 दिन राजा अनुमान के तौर पर आश्रम में रहा, और इस बीच उसने शकुंतला से सहवास भी किया, वो गर्भवती भी हुई। जब उसने कहा कि भाई मुझे लेने के लिए आप कब भिजवाओगे, तो उसने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारी अंगूठी में जितने अंक हैं उतने दिवस के बाद में भिजवा दूंगा। लेकिन राजा ने कुछ नहीं भिजवाया। अब शाप की व्यवस्था तो है लेकिन राजा की ये आदत है, और राजाओं को उस समय आदत हुआ करती थी, जैसा मैं कहता हूँ महाकवि कालिदास के सारे नायक धीर ललित ही हैं। कुछ लोग दुष्यंत को धीरोदात्त मानते हैं लेकिन मैं धीरोदात्त नहीं मानता। उदात्त क्या है? आज दुष्यंत के किसी युवा पुत्र ने ये बात की होती तो अलग बात थी। दुष्यंत स्वयं राजा है, स्वयं ऊपर उसके ऊपर धर्म की स्थापना मर्यादा रखने का दायित्व है, उसने ऐसा किया। और इसके बाद महर्षि कण्व वापस आते हैं। महर्षि अगर राजा निर्भय है और ये मानता है कि उसका कदम सर्वथा नीति सम्मत है तो उसे कण्व के आने तक रुकना चाहिए था और कण्व की अनुमति से उसे विवाह करना चाहिए था। बात है कि राजा के चरित्र की जो कमजोरी है वो स्पष्ट यहाँ होती है। ये राजाओं का ऐसे ही व्यवहार होता था, ये आश्रम में जाते थे, दुष्यंत के माध्यम से तत्कालीन समाज व्यवस्था के बारे में महाकवि कालिदास कह रहे हैं, और इस प्रकार का आचरण करके भाग जाते थे, भूल जाते थे। महर्षि कर्ण वापस आते हैं, उनको अग्नि के को वाणी होती, उससे पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है। उनके चलो ठीक है, राजा से प्रेम हुआ है, लड़की को विवाह तो करना ही था, कोई बड़े बात नहीं है, मैं विदाई कर देता हूँ, और वो विदाई की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कण्व में बहुत व्याकुल होते हैं, उनकी व्याकुलता के पीछे केवल शकुंतला का विरह नहीं है, उनको ये आभास भी है कहीं ना कहीं ये मेरी असफलता है कि मेरी संतान ने इस प्रकार मेरी अनुमति के ऐसा कदाचरण किया। तो वही क्लब्यम ममति तादृबी दृश महो स्नेहादरण्यु कस पीड्यंते ग्रहणों कथम न तनया विश्लेष दुख न वही। विकलता का एक ये भी कारण है। वो अपने दो शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेज देते हैं, और वहाँ जैसा कथा राजा शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। इस समय शार्ङ्गरभ और शारद्वत जो बात कहते हैं वो तत्कालीन समाज पर बड़ी तीखी टिप्पणी। वो कहते हैं कि एक तो पौर
पौर वहाँ कहते थे नगर को, उस समय पुर नगर को कहते थे और ग्राम अलग कहते थे। तो बेचारा गांव से आश्रम से पुर में आया, अपने आप को अजीब सा महसूस करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अव्यक्त वो स्नाता, जैसे स्नान कर लिया हो फिर भी उसमें अभ्यंग साबुन लगा हुआ हो, शुचि रसुचिर मेव और पवित्र हो लेकिन अपवित्र जैसा दिख रहा हो, और प्रबुद्ध में वो सुप्ता सोया हुआ हो लेकिन जगा हुआ सा लग रहा हो, बदा है लेकिन स्वर्गति, इस प्रकार की विपरीत गति सी उसको लगी। लेकिन उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजा ने कह दिया कि भाई मैंने तो उससे विवाह नहीं किया। शाप के कारण दर्शक को लगता है कि इसमें दुष्यंत का कोई दोष नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपातत आपको ऐसा लगा कि कोई दोष नहीं है, लेकिन कुल बात तो यह है कि शाप उसी को क्यों लगा। और उसकी एक रानी ने बड़ी सुंदर टिप्पणी की है, उसने राजा के बारे में कहा है, अभिनव मदलोलपो भवान तथा परिचुंब आम्र मंजरीम कमल वसत मात्र लुब्ध मधुकर विस्मृतो से नाम कथम। और ये कहता भी एक रानी ने ठीक उपाल में मुझको दिया है, अभिनव लब नव रस लोलपो भवान, आप तो अभिनव रस के लोलुप हैं, इस प्रकार आम्र मंजरी का चुंबन करके कमल के वन में बस गए फिर हमको भूल गए। ये जो टिप्पणी दुष्यंत की महारानी की है वो उस उनके चरित्र को दिखाने के लिए बहुत स्पष्ट है। और यही बात सामने आती है जब वो मना कर देता है, शकुंतल अपना सारा विवरण देती है। एक बात आप ख्याल रखिए, शाप हो या वेश बदलना, ये उसी के पर संभव है जिसमें उसकी संभावना होती है। हम आप लोग सिनेमा देखते हैं, वेश बदल के आत्म कैसे पहचान लेते कि अमुक नायक है, ये फलां पात्र है। अहिल्या के मामले में भी अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करती है। सारी घटना के बावजूद भी राजा ने नहीं पहचाना कि शाप के अलावा उसके स्वभाव में है। और इसके बाद बड़ी तीखी टिप्पणी शार्ङ्गरत और सारवत करते हैं कि मूर्छन्त्यमी विकारः प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु। आप ताज्जुब करें कालिदास इस प्रकार की बात कहते हैं कि इस प्रकार विकार प्रायः ऐश्वर्य मत्त लोगों में आते हैं, ये इस प्रकार कहते हैं। और ये कहते हैं कि भाई हम आजीवन सरलता और सत्य की शिक्षा लेते हैं, हमारा वचन प्रमाण नहीं है। और जिन राजाओं के लिए कौटिल्य ही एक नीत होती, कुटिलता ही एक नीत होती, उनका वचन प्रमाण हो गया। इस सब के बावजूद विवाह की संस्था के संबंध में कवि बहुत स्पष्ट है, विवाह की संस्था अनुल्लंघन ही है। और इसलिए वो कहते हैं कि अतः समीपे, भाई तुमने जब दुष्यंत से प्रेम किया, हमारी किसी की अनुमति नहीं की, महर्षि कण्व की अनुमति नहीं ली, अब तुम्हें ये भाग्य मिला है तो उसे भोगो। आशा यह है कि विवाह की संस्था का अतिक्रमण करने पर अगर कोई दंड होता है तो उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन विवाह की संस्था अनुल्लंघनीय है। अतः समीपे परणे तु रिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा संबंध भी, ये व्यवस्था दी है कि चाहे प्रिया हो चाहे अप्रिया हो, एक स्त्री हमेशा विवाह होने के बाद उसके पति के पास रहती है। हम तुम्हें तुम्हारे पति के साथ छोड़ के जाते हैं, वो तुम्हें स्वीकार करें ना स्वीकार करें, ये एक संस्था विवाह के संबंध में दी। एक और छोटी सी बात उल्लेखनीय की है, वो ये है कि उसकी जो अंगूठी खो जाती है और अंगूठी को एक मछली खा जाती है और मछुआरा उसको लेके आता है, तो एक राजस्याल हुआ करते थे, उसमें पात्र और कर्मचारी, वो उसको मारते हुए राजा के पास ले जाते हैं और जैसा रहता है, यानी उस युग में भी व्यवस्था थी कि भाई तुम्हें अंगूठी कहाँ से मिली राजा की, उसे मारते ले जाते हैं। वो प्रार्थना करता है, साहब इस तरह से मछली से मिली हुई है, ये क्या वो इतोर्धम में सुमनो मूल्यम भवतु, अब उससे कहते हैं इसका आधी चीज हमको प्राप्त होना चाहिए। मतलब छोटे राजकाज कर्मचारियों में कदाचार की वृत्ति थी, ये
ये भी बात कालिदास ने स्पष्ट की है, यही तो सामाजिक दर्शन है। लोग धीरोनायक या शकुंतला का प्रेम ये तो सब कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म संकेत कालिदास ने क्या दिया है वही समाज दर्शन की बात होती है। आशय यह है कि यद्यप वह आदर्श समाज था, सतयुग का समाज था, लोग सदाचारी थे, लेकिन जैसे कि एक सामंतवादी व्यवस्था में हुआ करता है, उसके दोष यही है कि इस स्थिति में राजा या राज कर्मचारी प्रजा के साथ कभी अनार्य व्यवहार करते हैं। वैसा महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के समय में भी हुआ, इसका एक सूक्ष्म संकेत महाकवि कालिदास ने दिया है। चूंकि वे महाकवि थे इसलिए किसी सत्य को छुपा नहीं सकते थे, और यही दर्शन व्यवस्था उनकी है। सामान्य तौर पर वर्णाश्रम व्यवस्था जैसी थी, लोग चार वर्णों और आश्रम के अनुसार ही अपना जीवन यापन किया करते थे। इस धर्म व्यवस्था में यदि कहीं कोई अत्याचार होता था तो राजा या राज कर्मचारियों के द्वारा ही होता था। यही मुझे महाकवि कालिदास का तत्कालीन सामाजिक दर्शन और उसका चित्रण प्रतीत होता है। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि नाटक का या महाकाव्य का जो मुख्य कथानक है उससे इन बातों का संकेत प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन नाटक में बीच में विष्कम्भक होते हैं, प्रवेशक होते हैं, अपटिक्षेपेण होते हैं। पुराने जो पश्चिम के नाटक उनमें सोलिलोक्वीज हुए थे, उसके माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति का पता लग चलता है, और वही कालिदास ने भी किया है। ये संकेत देते हुए अपने समाज का चित्रण किया है और उस दर्शन को, सामाजिक दर्शन को भी स्पष्ट किया है। नमस्कार, अभी आपने कालिदास का समाज चित्रण इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में उज्जैन के वरिष्ठ इतिहासविद एवं पुराविद डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी को सुना। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उज्जैन के संस्कृत के वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर मोहन गुप्त जी को भी सुना। दोनों गुरुजनों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ एवं समस्त श्रुति श्रोताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ।